महानगर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, गृह कर, जल कर सुविधा के दृष्टिगत पांचों जोन को 10 जोन में विभाजित करके जोनल अधिकारी एवं जोनल सफाई निरीक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपनी पूरी टीम के साथ इंदौर नगर निगम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंदौर का जो प्रबंधन है और जो मानव प्रबंधन है वह काबिलियत तारीफ है। इंदौर में 4 वार्डों का एक जोन बना है, जबकि हमारे यहाँ 15, 16, 17 इस तरह से एक जोन होता है। तो प्रभावी नियंत्रण और प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम के नए में 80 वार्ड हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 8 वार्ड पर एक जोन बनाया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 10 जोन बनाए गए हैं, जिसमें 10 जोनल अधिकारी और 10 जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, में अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें कि चीफ इंजीनियर, SBM प्रभारी, जोनल वन और जो हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हम लोगों ने इंदौर नगर निगम की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनका मौके पर जाकर निरीक्षण किया और उनसे बहुत सी चीज़ें को हम लोगों ने सीखा है। वहाँ पर ये पाया गया कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रबंधन है, जो मानव प्रबंधन है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और वहाँ पर 4 वार्डों का एक जोन बनता है, जबकि हमारे यहाँ 16, 15, 16, 17 इस तरह के वार्डों का एक जोन होता है। तो प्रभावी नियंत्रण और प्रशासकीय क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोगों ने अब जो हमारे पास टोटल नए परिदृश्य में 80 वार्ड हो रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रत्येक 8 वार्ड पर एक जोन बनाया है। इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर 10 जोन हो गए हैं, जिसमें कि 10 जोनल अधिकारी और 10 जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक जोन में स्वच्छता की अलग को जगाने और लोगों को गीले कूड़े, सूखे कूड़े का महत्व बताने और उनको मोबिलाइज करने के उद्देश्य से एक जोनल मोबिलाइजर की तैनाती की गई है। साथ ही साथ चूँकि इसमें बड़ी संख्या में वाहन का इस्तेमाल होता है कूड़ों को कलेक्ट करने में, उनको डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने में, इस सब पे निगाह रखने के लिए कि कोई वाहन ख़राब ना होने पाए और ख़राब हो जाए तो तत्काल उसकी मरम्मत हो जाए, हम लोग प्रत्येक जोन में एक वाहन प्रभारी की भी तैनाती कर रहे हैं। इस प्रकार से उद्देश्य यह है कि चेकिंग का जो पर्यवेक्षण का स्तर है उसको तत्काल हर स्टेज पर किया जाए, चेकिंग किया जाए। और उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की और वाहनों की तैनाती के साथ साथ वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यवेक्षण है और सुधर जाए। और हम सबसे ज़्यादा इस वक्त डोर टू डोर कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। उद्देश्य है कि अगर सभी घरों से कूड़ा निकल कर सीधे गाड़ी में चला जाएगा और वो कूड़ा सड़कों पर नहीं आएगा, तो हमारी सड़कें अर्थात हमारी रोड स्वीपिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने की वर्तमान परिदृश्य में पड़ रही है। जब गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पाती हैं तो लोग अपने घरों का कूड़ा सड़कों पर या खाली प्लॉटों में फेंक देते हैं। तो उसी के उद्देश्य हम लोग हर घर के सामने, हर कॉलोनी में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, हॉस्टल्स में, चाहे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जहाँ पर 500-600 आवास एक साथ बने हुए हैं, हर जगह हम लोग जो है इस प्रकार की हमारी जो डोर टू डोर वाली गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं। अभी हमने 30 गाड़ियों का और टेंडर किया है, वो गाड़ियाँ भी आने वाली हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी डोर टू डोर की जो स्ट्रेंथ है उसमें और इजाफा होगा। इसके साथ ही हम गीले कूड़े के कलेक्शन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि गीले कूड़े से ही आगे चलकर हम लोग यहाँ पर जो बायोसिनजी का प्लांट है उसको भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जो इस गीले कूड़े से बाहर जहाँ बायोसिनजी बनाएंगे वहीं ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी निर्माण करेंगे, जिससे कि नगर निगम की आय में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, वहीं पर बड़ी संख्या में लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के समस्त सम्मानित नागरिकों को अपील करना चाहूँगा कि जो डोर टू डोर गाड़ी वाली गाड़ियाँ आपके घर पहुँच रही हैं, आप अपने घर के सामने पहले से ही 2 डस्टबिन में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग भर के रख लें। जैसे ही गाड़ी जाए उसके गीले वाले कंपार्टमेंट में गीला कूड़ा और सूखे वाले कंपार्टमेंट सूखा कूड़ा अवश्य डाल दें और इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।